Hello students, today we are going to start our chapter 1 which is sentences. In this chapter we are going to study about sentences. Sentences kya hote hain, vakya hum kise kehte hain. We all know that what is sentence. Sentence is a group of word which is arranged in a particular order to make a complete sense. Sentence kya hota, words ka ek group hai जो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि वो हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, ठीक है ना। तो हम कुछ कॉमन सेंटेंसेस देखेंगे और उसमें सेंटेंस के बारे में समझेंगे कि सेंटेंस किस तरीके से एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज्ड होता है। तो पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस, टू मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है ना। सेंस इज कॉल्ड, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस, ओके, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो एक बार डेफिनेशन को हम वापस देखेंगे। A group of words that are arranged in a particular order to make a complete sense. ये words का एक ऐसा group है जो आपस में एक तरह से arranged होता है in particular order, ठीक है ना, to make a complete sense. हमें किसी भी चीज़ का proper sense बताना होता है तो हम words को properly arrange करते हैं। तो हम पहले कुछ sentence के examples देखते हैं जिससे हमें clear हो जाएगा कि sentence क्या होते हैं। सेंटेंस का जो फर्स्ट कंडीशन हमने देखा कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेकंड कंडीशन में हम बात करें तो इन सेंटेंस द फर्स्ट लेटर ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, इट शुड बी कैपिटल, एंड द सेंटेंस ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी साइन, ओके। तो हम देखते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमें देखेंगे कि सेंटेंस किस तरीके से एक कंप्लीट सेंस को हमें एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं, अरुण लव्स वॉचिंग मूवीज। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, सीता कुक्स फूड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, दे वेंट हाइकिंग ऑन संडे। तो यू कैन सी इन दीज सेंटेंस the first letter is capital, you can see A is capital, S is capital and T is capital, and sentence ends with full stop, you can see full stops. So these are the basic rules of the making sentences. Arun loves watching movies, so you can see ki isme words kitne acche tarike se properly arrange hai jo hame iska complete meaning express kar rahe hain कि अरुण को मूवीज़ देखना पसंद है। सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है। तो यू कैन सी इन दिस सेंटेंस वी हैव सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो एक तरह से कंप्लीट सेंटेंस है, ओके। तो हमने सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखे कि किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है then we will put question mark at the end, तब हम क्या करेंगे, last में question mark को लगा देंगे, ठीक है ना। हम बहुत सारे ऐसे sentence देखते हैं जिसमें हम exclamatory sign लगाते हैं, like wow what a beautiful bird, तो this sentence is actually
क्या है, हम इसमें एक सरप्राइज का शो कर रहे हैं, तो वी विल पुट एक्सक्लेमेशन साइन एट द लास्ट. हम सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे. तो हम कौन कौन से साइन का यूज करते हैं? वी यूज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन साइन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, लेटर ऑफ द वर्ड शुड बी ऑफ द सेंटेंस शुड बी कैपिटल. सेंटेंस शुड कैपिटल. Should be capital. Okay, so these are the basic rule. What we use: full stop, question mark, exclamation sign at the end of the sentence. First letter of the sentence should be capital. वो कैसा होना चाहिए? Capital letter में होना चाहिए. अब हम देखते हैं different parts of the sentence. Sentence के different part कौन कौन से होते हैं? We will see. Now we will talk about the different parts of the sentence. So basically, sentence have two parts: subject and predicate. Okay. So what are two parts? Subject, yani karta, and predicate will be the rest of the sentence. Bacha hua baki sentence hamara predicate hota hai. Aur subject, jiske baare mein hum sentence mein batate hain, usse hum kya kehte hain? Subject. Okay. और सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, इट विल बी प्रेडिकेट. ओके, तो हम सब्जेक्ट देखेंगे. तो अब हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. व्हाट विल बी द टॉपिक? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. नाउ एवरीवन सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. तो यू विल सी it has basically two parts, subject and the second will be predicate. Okay, so these are the two parts. Ab subject first we will see a example. Sabse pehle hum kab example lete hain, example se hum better samajh payenge ki what is subject and what is predicate. To like Ram plays cricket. You can see a sentence, Ram plays cricket. So in this sentence, who is doing the work? है ना, काम कौन कर रहा है? Ram is doing the work. तो Ram क्या होगा? Ram हमारा subject होगा. Okay? तो Ram यहाँ क्या हो जाएगा? It will be subject. Then you can see rest of the sentence, plays cricket. The rest of the sentence will be predicate. Why predicate? Because it is telling us about the subject. It is telling, it is giving information about the subject. ऐसे predicate हम उस भाग को कहते हैं जो हमें subject के बारे में कुछ information देता है. उस rest of the sentence को हम क्या कहते हैं? Predicate कहते हैं. ठीक है ना? तो subject क्या होगा? Those who are doing the work. वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा. ठीक है ना? और प्लेज क्रिकेट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, हु इज टेलिंग अस अबाउट द सब्जेक्ट. जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे. तो इस तरीके से हमने दो देखा. तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं. अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट टेल अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट हमें यही बताता है कि हमारे सेंटेंस किसके बारे में. ओके, द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और समथिंग दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? बाय द प्रेडिकेट्स. ओके,
अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को पढ़ेंगे. ओके, नाउ वी आर टेकिंग सम फ्यू सम सेंटेंसेस. रीड दीज सेंटेंसेस, रीड दीज सेंटेंसेस वन बाय वन. आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेस, यू जस्ट फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को अलग करना है और प्रेडिकेट को अलग करना है. ठीक है, लाइक अमित एट बनानास. अमित एट्स बनानास. नेक्स्ट सेंटेंस इज नेहा स्विच्ड ऑन द लाइट. नेहा स्विच्ड ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट. नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी, माया इज वेटिंग एट द बस स्टॉप. माया इज वेटिंग एट द बस स्टॉप. वेटिंग एट द बस स्टॉप. ओके, नेक्स्ट वन इज यू कैन सी रुचि एंड प्रियंका वेंट टू वॉच अ प्ले. रुचि एंड प्रियंका वेंट टू वॉच अ प्ले. वी आर राइटिंग वन बाय वन सेंटेंसेस. The little girl danced beautifully. The little girl danced beautifully. The little girl danced beautifully. And the last one is Ashoka was a generous king. Ashoka was a generous king. Now everyone, you just see the sentences. The first sentence is Amit ate bananas. ठीक है ना, तो in this sentence you can see who is eating bananas, who ate the banana. Amit. तो Amit will be subject. Bananas को किसने खाया, अमित ने खाया. सो अमित इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एट बनानास, ये हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा. ठीक है, बिकॉज व्हाई प्रेडिकेट, बिकॉज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट अमित, कि अमित ने क्या किया. अमित एट बनानास, अमित ने बनानास को खाया. नेक्स्ट, नेहा स्विच्ड ऑन द लाइट. नेहा स्विच्ड ऑन द लाइट, नेहा ने लाइट को ऑन किया. सो हु विल बी सब्जेक्ट, नेहा ने काम किया, सो नेहा विल बी सब्जेक्ट. ओके, नेहा इज डूइंग द वर्क, सो शी विल बी सब्जेक्ट. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस स्विच्ड ऑन द लाइट, तो ये हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा. व्हाई, बिकॉज इट इज टेलिंग अस अबाउट द सब्जेक्ट, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सो इट विल बी प्रेडिकेट. तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस स्विच्ड ऑन द लाइट क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट होगा. नेक्स्ट सी, माया इज वेटिंग एट द बस स्टॉप. माया इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे कौन वेट कर रहा है, माया वेट कर रही है, तो शी विल बी सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट कौन होगा, माया. वॉट इज शी डूइंग, इज वेटिंग एट द बस स्टॉप. तो माया के बारे में क्या बताया जा रहा है, शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप. तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी प्रेडिकेट. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम इज टू स्टॉप विल बी प्रेडिकेट. नाउ सी द नेक्स्ट वन, रुचि एंड प्रियंका वेंट टू वॉच अ प्ले. रुचि और प्रियंका कहाँ गए, दे वेंट टू वॉच अ प्ले. इन दिस सेंटेंस हु आर द सब्जेक्ट्स, रुचि एंड प्रियंका, दे बोथ आर सब्जेक्ट्स. ओके, एंड दे वेंट टू वॉच अ प्ले, सो वेंट टू वॉच अ प्ले विल बी प्रेडिकेट. तो बचा हुआ हमारा जो सेंटेंस है वेंट टू वॉच अ प्ले, ये क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट होगा. नाउ सी द नेक्स्ट,
द लिटिल गर्ल डांस्ड ब्यूटिफुली. द लिटिल गर्ल, तो पर्स में क्या होगा सब्जेक्ट, द लिटिल गर्ल. वी आर टॉकिंग अबाउट लिटिल गर्ल. द लिटिल गर्ल हमारा क्या होगा सब्जेक्ट होगा. डांस्ड ब्यूटिफुल, वॉट इज शी डूइंग, डांस्ड ब्यूटिफुली, वो क्या कर रही थी, नाच, शी डांस्ड ब्यूटिफुल, उसने अच्छा डांस किया. तो डांस ब्यूटिफुली क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट होगा. अशोका वॉज अ जेनरस किंग, तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, वी आर टेलिंग अबाउट द अशोका. तो क्या होगा अशोका क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट होगा, वॉज अ जेनरस किंग, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा क्या होगा प्रेडिकेट होगा, वॉज अ जेनरस किंग. तो इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट हैज टू पार्ट विच आर, सेंटेंस हैज टू पार्ट विच इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, प्रेडिकेट कौन सा होगा, व्हेन वी रीड द सेंटेंस प्रॉपरली हमें आसानी से वो समझ में आ जाएगा. लाइक आपने इस सेंटेंस में देखा रुचि एंड प्रियंका, समटाइम्स स्टूडेंट डज अ मिस्टेक, क्या मिस्टेक करते हैं, दे डू रुचि एंड प्रियंका में वो रुचि को सब्जेक्ट मान लेते हो, प्रियंका को छोड़ देते, नो दे बोथ आर सब्जेक्ट. ठीक है ना, तो आप ध्यान से सेंटेंस को रीड करेंगे देन यू विल फाइंड आउट द सब्जेक्ट. लाइक इस सेंटेंस में देखिए द लिटिल गर्ल, तो बच्चे फटाफट में क्या करते हैं, लिटिल को तो सब्जेक्ट मान लेते हैं, गर्ल को, गर्ल डांस ब्यूटीफुली को क्या मान लेते हैं प्रेडिकेट. नो द लिटिल गर्ल क्या होगा पूरा एक सब्जेक्ट है. ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने सेंटेंस के टू पार्ट्स देखे विच आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी. अ सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस. सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसमें सेंटेंस, सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड द वर्ड इन द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट. द सेंटेंस, अ प्रेडिकेट नॉर्मली आंसर द क्वेश्चन. प्रेडिकेट क्या करता है, हमें क्वेश्चन का एक तरह से आंसर दे रहा है. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो हम बता रहे हैं इट विल बी प्रेडिकेट. व्हाट डिड द सब्जेक्ट डू, तो प्रेडिकेट हमें क्या बताता है, व्हाट डिड द सब्जेक्ट डू, सब्जेक्ट ने क्या किया, वो हमें किससे पता चला, हमें प्रेडिकेट से पता चला. ठीक है ना, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द प्रेडिकेट. अ प्रेडिकेट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें किसके बारे में बता चाहिए, विच टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट. ओके, तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई और हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस. तो अगर पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होंगे तभी हमारा सेंटेंस प्रॉपर होगा, अदरवाइज हमारा सेंटेंस प्रॉपर नहीं होगा. लाइक आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ. लाइक सेंटेंस की डेफिनेशन में हमने कहा कि इट अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर. लाइक यू कैन सी, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ आई एम बॉय, तो सी दिस सेंटेंस, इट इज परफेक्ट और नॉट. आई एम बॉय, इट इज नॉट अ परफेक्ट सेंटेंस. व्हाट विल बी द परफेक्ट सेंटेंस, आई एम अ बॉय. नाउ इट इज गिविंग अस अ प्रॉपर मीनिंग. अब ये हमें क्या दे रहा है, प्रॉपर मीनिंग दे रहा है. तो अब हमारा क्या होगा, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ. ओके, सो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक जो प्रॉपरली अरेंज सेंटेंस नहीं है. राम ईटिंग फूड इज, अब आप इस सेंटेंस में देखिए वन बाय वन आई एम शोइंग यू, बिकॉज समटाइम्स एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें सेंटेंस क्या प्रॉपरली अरेंज नहीं दिया हुआ होता है और हमें उस सेंटेंस को प्रॉपरली अरेंज करना आता है फॉर मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. तो आप देखेंगे राम ईटिंग फूड इज, तो हमारा ये सेंटेंस परफेक्ट सेंटेंस नहीं है. तो सेंटेंस परफेक्ट क्या होगा, राम इज ईटिंग फूड, क्या होगा, राम इज ईटिंग फूड.
अब ये सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि राम इज ईटिंग फूड. तो इस तरह से हमने सेंटेंस के डेफिनेशन को क्लेरिफाई किया. इट गिव अस कंप्लीट सेंस. ये हमें कंप्लीट सेंस बताती है, सेंटेंस का अर्थ एक्सप्रेस करती है. ठीक है ना. तो इस तरीके से हमने देखा सेंटेंसेस के बारे में. अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं. सब्जेक्ट आप देखेंगे, सब्जेक्ट नेम के अलावा आप देखेंगे प्रोनाउंस भी होते हैं, है ना. नाउन के अलावा प्रोनाउन भी सब्जेक्ट्स होते हैं. लाइक प्रोनाउन में हम देखते हैं आई है, दे है, द गर्ल, द बॉयज. ठीक है ना. तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है. तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा. आज हमने देखा कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है और सेंटेंस के टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. तो सेंटेंस के टू पार्ट्स हमने कौन कौन से देखे. हमने सेंटेंस की टू पार्ट्स देखे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जिसके बारे में जो काम कर रहा है, हु इज डूइंग वर्क, और प्रेडिकेट टेल अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है ना. अब नेक्स्ट सेशन में हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं. ठीक है ना. तो उसे पढ़ने से हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं और जिसकी हेल्प से हम थोड़ा बेसिक सेंटेंस बनाएंगे. तो आप देखेंगे सब्जेक्ट दिए हुए हमें और हमें दिया गया है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट अब आप देखेंगे आपको सब्जेक्ट दिए हुए आई, दे, देन द गर्ल्स, देन आपको दिया गया है प्रेडिकेट, आपको दिया गया रीड, आर प्लेइंग, आर सिंगिंग अ सॉन्ग. अब आप इनमें देखेंगे आई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिया हुआ है. अगर मैं आपको कहूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर आप सेंटेंस बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो हो सकता है आई रीड. ओके. फिर नेक्स्ट सेंटेंस दे आर प्लेइंग. जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में जुड़ेंगे दे विल मेक अ सेंटेंस. अगर सब्जेक्ट अलग है, प्रेडिकेट अलग है, तो हमें कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं पता चलता है. जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे, जुड़ेंगे, तभी हमें कंप्लीट सेंस मिलेगा. द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग. द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग. तो हमने देखा कि सब्जेक्ट अकेला भी कुछ नहीं बता सकता, प्रेडिकेट से भी अकेले से कुछ नहीं हो सकता. वी नीड बोथ ऑफ देम फॉर मेकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है ना. अब नेक्स्ट सेशन में हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.